ब्रेकिंग न्यूज। इस समय देश के लिए एक बड़ी और दुखद खबर। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुनूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चॉपर के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई, जिसमें चार अफसरों के शहीद होने की भी खबर है। इसके अलावा तीन लोगों को अस्पताल में पहुँचाया गया है। चॉपर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग मौजूद थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसी बीच चेन्नई के रक्षा सूत्रों ने बताया है कि इस दुर्घटना में चार अधिकारियों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा तीन अन्य गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। फिलहाल CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी की हालात के बारे में कोई अपडेट सेना की ओर से नहीं दिया गया। इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के घर भी पहुंचे हैं और इसी बीच में संसद में वे भी जानकारी देने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार CDS जनरल बिपिन रावत के तमिलनाडु में चॉपर क्रैश होने के मामले को कल संसद में भी बयान के रूप में जारी रखी गई। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को ले जा रहे सेना का एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बीच में ही समाप्त कर दिया और ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने बैठक स्थल पर जाते हुए कहा कि हमें बेहद दुखद खबर मिली है, मैं इसके लिए स्तब्ध हूँ। अपना दुख प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है।